टू सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड इन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट वन ऑफ विच लाइज इन वाई जेड प्लेन एंड अदर इज लाइन एक्स जेड प्लेन. ठीक है, विद द सेंटर ऑफ बोथ एट द ओरिजिन ऑफ रेडियस आर द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ वैल्यू क्यूब मूविंग विद वेलोसिटी वी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इज एट द ओरिजिन. सिंपल है. देखिए एक वेक्टर तो ये आ गया, दूसरा वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट बना रहे हैं हम, वेक्टर क्या होता है. ठीक है, कुछ इस तरह का सिस्टम बन गया अपना. अब ये अपना एक्स हो गया, ये अपना वाई हो गया, ये अपना जेड हो गया. नाउ वन ऑफ द विच लाइज इन वाई जेड प्लेन, तो एक तो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है. लेट से सेंटर हमारा यहां पे वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है फाइल, तो कुछ इस तरह का बना देते हैं. मान लो यहां से स्टार्ट होता है, यहां टच करता है, फिर इधर गिर जाता है. दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स जेड प्लेन में लाई करते हैं. तो एक्स जेड प्लेन में अगर लाई कर रहे हैं तो ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, सेंटर हमारा यहीं पर रहेगा एक्स जेड. एक्स जेड में लाइक करा दो, सेंटर यहां कहीं रहा होगा दोनों का ही. ठीक है, अब देखो जो वाई जेड प्लेन में उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, और जो एक्स जेड प्लेन में है, जो एक्स जेड प्लेन में उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर की तरफ, है ना. हाँ, तो करंट में कह रहा हूं ऐसे बहा देते हैं, ऐसे ऐसे बहा देते हैं करंट. ठीक है, किधर आएगा, इधर की तरफ, और इसमें एक्स जेड प्लेन में ऐसे बहा देते हैं करंट, तो आएगा ऊपर की तरफ. ठीक है, तो ये तो आ गया बी वाई जेड की वजह से, और जो ये आ गया अपना वी एक्स जेड की वजह से वी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई फोर आर. ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, चार्ज पार्टिकल पड़ा है सेंटर पे जिसकी स्पीड की तरफ है वी. ठीक है, पूछा क्या, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन वेल. ठीक है, अब इसमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स सिंपल से क्या हो जाता है अपने पास, एफ इक्वल टू क्यू वी, है ना. तो क्यू वी म्यू नॉट आई बाय फोर आर, क्यू वी म्यू नॉट आई बाय फोर आर, ये आंसर हो जाएगा. तो मतलब बाई जेड प्लेन में अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कॉइल, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.